फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर लिखा हो हम अगले साल एक कार खरीदेंगे, तो इस हिंदी सेंटेंस के लिए आप क्या कहेंगे, यानी क्या करेक्ट है? वी शैल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर या वी बाय अ कार नेक्स्ट ईयर? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दो सेंटेंसेस में से करेक्ट कौन है? तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, यानी इस सेंटेंस के लिए आप वी शैल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर और वी बाय अ कार नेक्स्ट ईयर दोनों आप लिख सकते हैं, लेकिन दोनों के सेंस में थोड़ा फर्क है, यानी सुनने वाला इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से समझेगा। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। और जबकि हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, तो हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आइए फ्रेंड्स इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस सेंटेंस के लिए ये दोनों ट्रांसलेशन सही है, लेकिन जब आप कहेंगे वी सेल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, तो इस सेंटेंस का सेंस होगा कि भविष्य में आपको काम करने की आशा है, यानी पॉसिबिलिटी है। यानी जब आप सेल का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, तो सुनने वाला ये समझेगा कि इस काम की होने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है या आशा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से बोलेंगे, तो उसका सेंस होगा कि भविष्य में यह काम एक योजना के अंतर्गत होगी, यानी आने वाले दिन में यह काम एक प्लानिंग के तहत होगी। भविष्य में काम होने की प्लानिंग है, यानी योजना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई कि जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में बोलेंगे, तो सुनने वाला ये समझेगा कि यह काम होने की आशा है या पॉसिबिलिटी है, यानी संभावना है। लेकिन जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे, तो सुनने वाला ये समझेगा कि इस काम की होने की प्लानिंग है, यानी योजना है। प्रधानमंत्री कल आएंगे, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, मतदान कल शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखे हैं तीन सेंटेंसेस, और मैं आपको बता दूं इन तीनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस के मदद से नहीं होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। प्रधानमंत्री कल आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ है। अब सवाल है क्यों टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैंने प्रेजेंट टेंस में किया है। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, मतदान कल शुरू होगा, सेंटेंस के लास्ट में गागी आया है, यानी यह एक फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन मैंने किया है द पोल स्टार्ट्स टुमारो। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा फ्यूचर वाली वो सेंटेंसेस जहाँ ये बताया जाए कि कोई काम प्री प्लान है, यानी फ्यूचर में कोई काम होगा, इसकी आशा नहीं की जाती है या उम्मीद नहीं की जाती है, बल्कि ये प्री प्लान्ड है, यानी पूर्व निर्धारित है, पहले से ये बात तय है कि उस दिन को ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, उस तरह के फ्यूचर वाले सेंटेंसेस जिसको पढ़ने पर आपको ये पता चले कि यहाँ प्री प्लान्ड है, यानी फ्यूचर में ये काम होगा, इसकी प्लानिंग अभी कर दी गई है। जैसे प्रधानमंत्री कहीं भी आते या जाते हैं, तो उसकी प्लानिंग पहले से कर दी जाती है। टेस्ट मैच या कोई भी मैच जब खेला जाता है, तो उसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी रहती है। मतदान कब होगा, यानी पोल कब होगा, ये बात आपको पहले से पता होता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर कोई काम फ्यूचर में होगा ऐसा प्लानिंग कर दी गई है, योजना बना दी गई है। इस तरह के फ्यूचर वाले सेंटेंसेस जो प्री प्लान्ड हो, यानी पूर्व निर्धारित हो, पहले से तय कर दी गई हो, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से इस तरह के सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह लेसन बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।